राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लोकसभा चुनाव में दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने के कयास पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाटी ने मेघवाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। भाटी ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी छोड़ने से उन्हें दुख हो रहा है, लेकिन मेघवाल को बीकानेर से दोबारा प्रत्याशी बनाने की खबरों के बाद उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। भाटी ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के प्रयासों के साथ में है, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे नेताओं का साथ पसंद नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि भाटी की पुत्रवधु ने कोलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई। भाटी इस हार में भी मेघवाल का हाथ मान रहे हैं। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, उसके पीछे कारण लगातार रहा है कि पार्टी के अंदर जो रह के पार्टी विरोधी गतिविधियां करे, और उनमें हमारे श्री अर्जुन राम जी मेघवाल है जो सांसद है यहां बीकानेर के, ये लगातार पार्टी में आने के बाद से गलत गतिविधियां कांग्रेस के साथ मिली भगत उनकी गुप्त मंत्रणा। मैं नहीं कहता हूं, जो चुनाव लड़ते हैं उनको पता है, जो नेता है भाजपा के उनको पता है, कार्यकर्ताओं को पता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में ये लगातार लिप्त रहे। मेरा काम था कि समय समय पर पार्टी के नेताओं को आगाह करना, मैंने उनको आगाह किया। अभी भी मैं कल जयपुर जाके आया हूं, मैंने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री उनको भी बताया, केंद्रीय नेतृत्व श्री जावड़ेकर जी श्री ओम प्रकाश जी माथुर साहब को भी मैंने बताया, हमारे जो प्रभारी सतीश जी पूनिया उनको भी आगाह किया, लेकिन मुझे लगा कि इन्होंने तय कर रखा है कि पुनः इनको भाजपा से सांसद की टिकट दी जाएगी, इसलिए मैं